चलिए बेटे, वर्कशॉप का आज हमारा तीसरा दिन रहेगा। और लास्ट क्लास में हमने क्या सीखा था अमृत? ट्रायल बैलेंस। हाँ, अकाउंटिंग ट्रेल्स नहीं, अकाउंटिंग ट्रेल। ठीक है, अकाउंटिंग ट्रेल क्या होती है? बिल्कुल ठीक है। अकाउंटिंग ट्रेल मतलब अकाउंटिंग प्रोसेस। और अकाउंटिंग प्रोसेस हमारा कहाँ से शुरू होता है? जर्नल से। जर्नल के बाद लेजर, लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस, और उसके बाद ट्रेडिंग पी एंड एल और बैलेंस शीट। और उन तीनों को मिला के क्या कहते हैं लक्ष्य का? फाइनल अकाउंट्स या फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। यस, आओ आज हम उसका तीसरा दिन करेंगे। और आज हमारी जो चर्चा रहेगी वो किसके ऊपर रहेगी? क्योंकि मैं आपको जर्नल पहली वर्कशॉप में और लेजर दूसरी वर्कशॉप में अकाउंटिंग ट्रेल के अंदर सिखा चुका हूँ। आज हमारा डिस्कशन कैश बुक के ऊपर रहने वाला है। ठीक है, देखिए ज़रा, आपको पता है इनमें से कौन सी बुक में क्या रिकॉर्ड करते हैं हम? तुम बताओगे? इसमें कैश ट्रांजैक्शन, इसके अंदर क्रेडिट परचेज। क्रेडिट परचेज व्हाट? सोचो। अच्छा, मैंने अगर एक एसी खरीदा क्रेडिट पे, तो क्या वो इसके अंदर आएगा? नहीं आएगा। इसके अंदर क्या आता है? क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स, समझ रहे? और एसी मेरे लिए क्या है? एसेट। तो अगर मैंने एसी खरीदा और पैसे देकर खरीदा तो वो तो इसके अंदर आएगा, पर अगर मैंने एसी क्रेडिट में खरीदा तो वो कहाँ आएगा? जर्नल प्रॉपर के अंदर। तो देखो जरा कौन सी बुक में क्या रिकॉर्ड होता है। तुम्हें ऐसा अगर लग रहा है ना कि जो चीजें मैं करा रहा हूं ये यूं ही करा रहा हूं, ये सब चीजें काम आने वाली हैं आपकी। ठीक है, कैश बुक में क्या रिकॉर्ड होता है? ऑल। और यहां कैश का मतलब कैश और बैंक दोनों है। इसके अंदर देखो कब लिखते हैं? जब आपने क्रेडिट पे खरीदा हो क्या? गुड्स। यहां पर क्रेडिट पे बेचा हो क्या? गुड्स। इनका रिटर्न इसके अंदर, और अगर ये माल जो आपने बेचा था वो वापस आ जाता है तो वो इसके अंदर लिखा जाएगा। तो इसके अंदर क्या लिखा जाएगा? जो किसी बुक में रिकॉर्ड नहीं हो सकते। इसका मतलब अगर कोई ट्रांजैक्शन इनमें रिकॉर्ड नहीं हो सकता तो वो कहाँ रिकॉर्ड होगा? वो जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड होगा। ठीक है, चलिए कैश बुक के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, बेहद इम्पॉर्टेंट पार्ट है। सोचो आप अपने बिजनेस में कैपिटल लगाते हैं, तो छोटा बिजनेस उसकी जर्नल एंट्री क्या डालेगा? वो इसकी जर्नल एंट्री डालता है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट कितना। अच्छा, इसकी लेजर पोस्टिंग वो कहाँ पर करेगा? कैश में करेगा टू कैपिटल, ये CAP कैपिटल है। ठीक है, और कैपिटल में लिखेगा वो बाय कैश। अमाउंट यहाँ पर आ जाएगा, हाँ या ना? उसके बाद दूसरा ट्रांजैक्शन, इसकी एंट्री होगी मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 2000। इसकी पोस्टिंग करना मशीन में, यहाँ पर लिखोगे टू कैश, और कैश में यहाँ पर लिखोगे बाय मशीनरी। ऐसे ही चलता जाएगा ना। अच्छा, उसके बाद ये वाला ट्रांजैक्शन परचेज टू, तो परचेज में यहाँ पर टू कैश, और कैश में यहाँ पर बाय परचेज। उसके बाद ये वाला ट्रांजैक्शन परचेज अकाउंट डेबिट टू राम, और क्योंकि इसके अंदर कैश का नाम नहीं है तो ये ट्रांजैक्शन, अबे अभी तो तुम छोटा बिजनेस कर रहे हो ना, दिमाग तो लगाया करो, मेरे पीछे पीछे क्यों बोलते हो हैं? इसकी जर्नल एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू, तो परचेज में यहाँ पर लिखेंगे और यहाँ पर राम मिले, लिख दिया ना। अब जरा यहाँ आ जाओ, बड़ा बिजनेस है ये, अगर यही ट्रांजैक्शन कौन करे? बड़ा बिजनेस करे तो क्या करेगा वो? पहला ट्रांजैक्शन कहाँ लिखा जाएगा? पहला ट्रांजैक्शन इसके अंदर लिखा जाएगा, दूसरा ट्रांजैक्शन इसमें भी कैश है तो दूसरा भी इसके अंदर लिखा जाएगा, इसमें भी कैश है तीसरा भी इसके अंदर लिखेंगे, ये यहाँ पर जाएगा चौथा, हाँ या ना? इसके अंदर भी कैश है, चाहे कैश आ रहा हो चाहे कैश जा रहा हो, तो यहाँ पर पांचवा लिखा जाएगा।
बात समझ आ रही है? तो चलिए जरा देखते हैं कैसे लिखा जाएगा। अब जैसे पहला ट्रांजेक्शन, पहले ट्रांजेक्शन में कैश डेबिट है, हाँ या ना? तो कैश बुक में आपको कौन सी साइड पर लिखना है? डेबिट साइड पर लिखना है। समझ रहे हैं कैसे लिखेंगे? इसके अंदर हम लिखेंगे यहाँ ट्रांजेक्शन का नंबर या ट्रांजेक्शन की डेट, और यहाँ पर टू कैपिटल। कितना अमाउंट था? आपको नहीं लग रहा? जैसे आपने यहाँ पर लिखा है आपने सेम यहाँ पर भी तो लिखा था। इसीलिए कहते हैं कि जो कैश बुक होती है वो बिल्कुल किसके जैसी होती है? कैश अकाउंट के अंदर। बस कैश अकाउंट कहाँ बनता है? लेजर के अंदर। और कैश बुक कहाँ पर बनती है? सब्सिडरी बुक्स के अंदर। तो हमारी कैश बुक और यहाँ पर कैश अकाउंट बिल्कुल सेम होते हैं। तो फिर दोनों में डिफरेंस क्या है? हाँ, ये प्रिंसिपल बुक भी है हमारी। एक हमारी जो क्या, ये जो है ये लेजर का पार्ट है, पर ये तुम जानते हो ये किसकी जगह पर बनते हैं? ये जर्नल। तो ये जो है ये जर्नल का काम भी करती है और ये लेजर का काम भी करती है। वो कैसे? क्योंकि जब लार्ज बिजनेस क्या बनाएगा, तो यहां पर उसे कैश अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। रीजन, ये कैश बुक सब्सिडरी बुक का काम तो करती है और ये लेजर में बनने वाले कैश अकाउंट का काम भी करती है, इसलिए इसको बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है हमें। इसीलिए कहते हैं कि जब बिजनेस में क्या बनाया जाता है? कैश बुक बनाई जाती है, तो यहाँ पर कैश अकाउंट नहीं बनाया जाता है। बात समझ आई है? अब यहां देखो जरा, ये क्या है? हाँ, ये डबल कॉलम, इसमें कैश और बैंक का कॉलम और अटैच कर दिया जाता है। अब कैसे होगा काम? देखो, जैसे अब ये वाला ट्रांजेक्शन है, इसे कैसे लिखोगे? यहाँ पर टू कैपिटल, कैपिटल में बाय कैश। इस ट्रांजेक्शन को कैसे लिखोगे? बैंक में टू कैश, कैश में बाय बैंक। विड्रॉल फ्रॉम बैंक, कह रहा बैंक से 2000 रुपये निकाल लिए। अच्छा, कुछ बच्चे इसे ड्रॉइंग्स मान लेते हैं, ये ड्रॉइंग्स नहीं है। तो ड्राइंग्स हम इसे कब मानते? जब यहाँ पर पर्सनल यूज लिखा होता। क्या यहाँ पर पर्सनल यूज लिखा है? तो ये हुआ क्या? बैंक से पैसे निकाल के लेकर आए हम लोग और ला के अपनी अलमारी में रख दिए, इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो बेटे इसकी पोस्टिंग करते हैं जरा, कैश में टू बैंक और बैंक क्रेडिट है बाय कैश। अगला कह रहा है हमने 4000 रुपये का माल खरीदा और पेमेंट, हाँ, तो परचेज टू, परचेज में टू बैंक और बैंक में बाय परचेज, कोई टेंशन तो नहीं। अगला कह रहा है हमने 4000 का माल बेचा कैश में, हाँ, तो कैश में टू सेल, सेल्स में। अब यही सारे ट्रांजैक्शन अगर कौन करे तो वो इन्हें कैसे लिखेगा? बात करते हैं। पहला ट्रांजेक्शन, इसके अंदर क्या रखा है? तो यहां पर लिखना पड़ेगा, या बैंक में लिख सकते हैं? बैंक में नहीं लिख सकते, यहां पर लिखेंगे टू कैपिटल। कितना? 20,000, सही है। अगला ट्रांजैक्शन, इसमें कैश भी है और पहले किसको बताऊं मैं, जो तुम कहो, पहले बैंक के ऊपर बात कर लेते हैं। और बैंक यहां पर क्या हो रहा है? 10,000 से डेबिट। तो बेटे आपको नहीं लग रहा यहां लिखना चाहिए? यहां पर लिखेंगे क्या? यहाँ पर लिखेंगे टू कैश। कितना? 10,000। तो ये वाला हिस्सा तो हमने कर लिया, अब हम आ गए किसमें? और कैश यहाँ पर 10,000 से क्या है? क्रेडिट। तो आपको नहीं लग रहा मुझे यहाँ लिखना चाहिए? यहाँ पर क्या लिखेंगे? बाय बैंक 10,000। और इसे हम क्या बुलाते हैं? इसे कॉन्ट्रा बुलाते हैं। कॉन्ट्रा मतलब ऐसी एंट्री जिसमें कैश और बैंक दोनों इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। इसमें क्या करेंगे? इसमें कैश डेबिट है कितने से? तो आपको नहीं लग रहा यहाँ लिखना चाहिए? हाँ या ना? क्या लिखेंगे यहाँ पर? टू बैंक 2000। और यहाँ पर बैंक क्या है? 2000 से क्रेडिट है, तो क्या करूँ? यहाँ पर लिखेंगे बाय कैश। समझ आ रहा है? अगला परचेज टू, और यहाँ पर बैंक है, क्या हो रहा है? क्रेडिट, तो क्या करूँ? यहाँ पर लिखेंगे बाय
परचेज। कुछ बच्चे कहते हैं यहाँ क्यों नहीं लिखा, यहाँ कैसे लिख दूँ? क्या मेरी एंट्री में कैश है, मेरी एंट्री में बैंक है, तो मैं बैंक कॉलम में तो लिखूँगा। समझ आया है? पक्का कैश बुक आ गई समझ में? अच्छा, ये वाली सारी बुक्स भी बनती हैं, पर इनका ट्वेल्थ में कोई यूज़ नहीं पड़ने वाला है, इसलिए मैं वर्कशॉप में इसे डिस्कस नहीं करूँगा। ठीक है, वैसे बनती हैं, बिजनेस में बनानी पड़ती हैं। क्या मैं आगे चल सकता हूँ? हमारा कैश बुक का हिस्सा इतना ही था, ये कंप्लीट हो गया है। आगे चलें, कुछ और डिस्कस करेंगे। एक इम्पॉर्टेंट पार्ट ये क्या है, ये क्या है, ये तुमने देखा था यार लास्ट क्लास में, तो देखा है, कल ही तो देखा था। क्या है ये? अकाउंटिंग ट्रेल। इसके अंदर देखो जर्नल भी है और लेजर्स भी बने हुए हैं और फाइनल अकाउंट्स भी बने हुए हैं। बस ट्रायल बैलेंस मैंने इसमें से गायब किया हुआ है, क्योंकि एक ही स्क्रीन पे सारी चीज़ें नहीं दिखा सकते। अच्छा, मेरे एक सवाल का जवाब देना आप लोग। मैं जो बताने जा रहा हूँ वो, यार तुझे कहाँ रखें भाई, तू यहाँ आ जा। सारी इन्फॉर्मेशन काम आने वाली है बहुत ही जल्दी ट्वेल्थ में आपके। ठीक है, सुनो। दीपांजलि, ये यहाँ पर कैसे आया, मुझे ये बता सकते हो तुम? ये यहाँ पर कैसे आया? कंप्यूटर आज हमारी बुक्स में क्यों नज़र आ रहा है, हमारी बैलेंस शीट में क्यों नज़र आ रहा है कंप्यूटर? बहुत सिंपल सवाल है, क्यों नज़र आ रहा है, तुम बताओगे अमृत? क्या क्या? हाँ, वो क्योंकि वो हमारे अगले साल भी काम आएगा। अगले साल तो तब काम आएगा ना, पहले जब हमने वो इस साल खरीदा होगा। हाँ या ना? तो क्या मैं कह सकता हूँ कि मैंने कंप्यूटर इस साल में कहीं ना कहीं खरीदा होगा? क्या तुम मुझे उसकी डेट ऑफ परचेज बता सकते हो अमृत? अगर मुझे इस कंप्यूटर के बारे में जानना है तो वो मुझे इस लेजर से पता चल जाएगा। इसमें जाके देखो कब खरीदा था मैंने, और ये वाली डेट समवट यहाँ बीच में पड़ेगी कहीं। इसका मतलब मैंने कंप्यूटर को यहाँ से लेके यहाँ तक यूज़ किया होगा, और यूज़ किया होगा तो डेप्रिसिएशन भी लगाया होगा। वो डेप्रिसिएशन देखो जरा, तो वो कितने का बचा हुआ है? इतने का खरीदा, इतने का यूज़ हो गया, कितने का बच रहा है? और वो 45 यहाँ दिख रहा है। हाँ या ना? ऐसा करके आप किसी भी चीज़ के बारे में डिटेल निकाल सकते हैं, कुछ भी जो आप चाहो। कैश का निकाल के देखो, ये बताओ यहाँ पर कैसे आया, ये यहाँ पर कैसे आया? इसके लिए मुझे क्या चाहिए? कैश का लेजर। पर यहाँ पर फिलहाल कैश का लेजर नज़र नहीं आ रहा है, वो शायद नीचे होगा, है ना? अब एक ही स्क्रीन पे एक लिमिटेड डेटा दिखा सकता था मैं आपको। कोई और मैं अगर आपसे बात करूँ तो आप यहाँ पर कार की बात कर सकते हैं, कितने की है? 285, तो 285 की है रही? यही कार हमने खरीदी कितने की थी और कब खरीदी थी? हाँ, अच्छा ये वाली डेट ये रही, तो यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने इसे यूज़ किया, डेप्रिसिएशन लगाया, उसके बाद कितने की बच गई? तो ये बची हुई यहाँ पर दिख रही है। हाँ या ना? ऐसा ही करके आप किसी भी लायबिलिटी के बारे में भी जान सकते हैं। लायबिलिटी के बारे में कहाँ से पता चलेगा? जैसे एसेट हैं, इनके बारे में या तो इसमें पता चलेगा या इसमें। इनके बारे में कहाँ पता चलेगा? इनके बारे में कहाँ पता चलेगा? इसके अंदर सिर्फ। कोई भी लायबिलिटी इसके अंदर नहीं हो सकती, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ क्या होता है, या तो कैश होता है या फिर इसके अंदर प्रॉपर्टी होती है। कैश मतलब पैसा और प्रॉपर्टी मतलब कार, कंप्यूटर, मशीन, फर्नीचर, इस तरह की चीज़ें जो होती हैं। समझ आ रहा है? तो यहाँ से मैं आपको क्या समझाने जा रहा हूँ, एक बात बताओ, आपको क्या लग रहा है इनमें से ऐसी कौन सी चीज़ है अगर मैं बेचने बैठूं तो वो सबसे जल्दी कैश में बदल जाएगी? जैसे ये तो ऑलरेडी कैश है ही। हाँ, अगर मैं इनमें इनको बेचना चाहूं तो बैंक से पैसे लाने में कितनी देर लगती है, बताओ बताओ?
अगर मैं इन्हें कैश में कन्वर्ट करना चाहूँ तो मुझे किस में सबसे कम टाइम लगेगा? सबसे कम टाइम मुझे इसे लगेगा। उससे ज़्यादा टाइम किस में लगेगा? डेटर्स में। उससे ज़्यादा टाइम किस में लगेगा बेचने में? कंप्यूटर। कंप्यूटर में कितना टाइम लग सकता है? बहुत ज़्यादा टाइम भी लग सकता है, डिपेंड करता है। तो बेटे होता क्या है, ये जो बैलेंस शीट आप यहाँ पर देख रहे हैं ये गलत है, ऐसी बैलेंस शीट नहीं चलती है। तो फिर कैसी चलती है? होता क्या है, इन सारी एसेट्स को दो हिस्सों में बांटा जाता है, करंट एसेट और नॉन करंट एसेट्स, और ऐसे ही करंट लायबिलिटी और ऐसा करने से होगा क्या? इस ऐसा करने से आपको पता रहेगा, आपको ये पता होगा कि आपकी कितनी करंट एसेट्स हैं और कितनी नॉन करंट एसेट्स हैं। फिर उससे बेनिफिट क्या है? ऐसा क्लासिफिकेशन मैं क्यों कर रहा हूँ? ऐसा क्लासिफिकेशन मैं क्यों करता हूँ? है कोई जवाब? अपनी एसेट्स को और अपनी लायबिलिटीज़ को दो दो हिस्से में बांटकर क्यों दिखाऊँ? और आपको ये 11th में तो करना नहीं पड़ा, आपने जितनी भी बैलेंस शीट बनाई 11th में, बताओ तुमने किसी में दिखाया ऐसा करंट एसेट नॉन करंट एसेट, करंट लायबिलिटी नॉन करंट? तो फिर 12th में दिखाना पड़ेगा बेटे, 12th में आपको सिस्टम से काम करना पड़ेगा। 11th में तो चल जाता है ऐसे ऐसा, कह रहा खाली ये प्लेन दिखा दो बस यही ठीक है तुम्हारे लिए, कह रहा 12th में जाके सिस्टमेटिक काम कर लेना। तो मैं कह रहा हूँ इस डिवीजन का फ़ायदा क्या है? बिल्कुल, बिजनेस के ऐसे बहुत सारी सिचुएशन आ जाती हैं जहाँ पर हमें इसका क्लासिफिकेशन हेल्प करता है। अब तुम कहोगे ऐसी कौन सी सिचुएशंस हैं? ऐसी सिचुएशंस होती हैं जैसे कि सोचो, मैंने अभी बोला इसमें दो तरह की लायबिलिटी होती हैं, करंट लायबिलिटी और, ऐसे ही इसके अंदर दो तरह की एसेट होती हैं, करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स। अच्छा एक बात बताओ, ये कौन लोग हैं? लायबिलिटीज़ है ना ये आपकी, लायबिलिटीज़ मतलब वो लोग जिनको आपने पैसे देने हैं। अब मैं पूछ रहा हूँ ये कौन से, इन दोनों में फ़र्क क्या है? बेसिकली मैं ये जानना चाह रहा हूँ, ये वो लोग हैं जिनको हम पैसे देंगे बहुत ही जल्दी, बहुत विद इन वन ईयर। अब एक बात बताओ, तुम इनका पैसा देने के लिए क्या आप इनको बेच दोगे? बोलो, इनको बेच देंगे क्या? तुम मुझे हर महीने फीस दोगे तो क्या तुम वो फीस देने के लिए अपना घर बेच दोगे? पागल हो गया भाई, ऐसे कौन करता है? नहीं ना। तो हम अपनी करंट लायबिलिटीज का पैसा कहाँ से निकालते हैं? इनसे पैसा घूमता रहता है, इनमें पैसा घूमता रहता है, तो वो पैसा निकाल के इनको देते रहते हैं, फिर इनसे माल आ जाता है, फिर वो माल बनाते हैं, फिर बेचते हैं, डेटर्स बन जाते हैं, डेटर्स हमें पैसा दे देते हैं, फिर वो पैसा उठा के इनको दे देते हैं, ये साइकिल चलती रहती है इनकी। मेरी बात समझ आ रही है? तो ये क्लासिफिकेशन एसेट और लायबिलिटीज़ का बहुत अलग अलग सिचुएशंस में हमें हेल्प करता है, इसीलिए हम अपनी एसेट्स और लायबिलिटीज़ को अलग अलग क्लासेस में बांट कर दिखाते हैं। पॉइंट समझ आ रहे हैं? आप इसके ऊपर थोड़ा और बातें करते हैं हम लोग। यहां पर मैं जो लाइनें आपको पढ़वाने जा रहा हूं वो लाइनें एज इट इज 12th में देखने के लिए मिलने वाली हैं आपको। आपको मेरी सारी बातें याद आएंगी बाद में जब आप 12th का सिलेबस पढ़ेंगे कि हाँ ऐसा बोला गया था कि एज इट इज लाइनें आपको वहां पर मिलेंगी, और वो सेम लिखा होगा चैप्टर में कहीं ना कहीं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ हर चैप्टर में, पर बहुत बार ऐसे सिचुएशन आएंगे जहाँ पर आप उसे देखेंगे। ठीक है, चलो सबसे पहले हम किसके बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पर? लायबिलिटीज़, इनके बारे में बात कर रहे हैं, इनके बारे में थोड़ी देर में बात करेंगे। तो लायबिलिटीज़ मैंने अभी बताया कैसी हो सकती हैं, करंट लायबिलिटी और नॉन करंट लायबिलिटी। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे यहाँ पर मेरा महीना ये शुरू हुआ अप्रैल, और यहाँ पर मेरा साल ख़त्म हो जाएगा कब? मार्च। सोचो मैंने अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पर आयुष से एक लोन ले लिया, जर्नल एंट्री क्या डालूँगा मैं? आयुष लोन दे दोगे मुझे? एज अ फ्रेंड मैं इससे लोन ले रहा हूँ, बताओ मैं जर्नल एंट्री क्या डालूँगा? मेरे पास तो पैसा ही आएगा,
कैश अकाउंट डेबिट टू आयुष का लोन कितना दोगे बेटे? 2 लाख दे दोगे? कह रहा हाँ। कह रहा आप कौन से ले रहे हो, बोल ही तो रहे हो। कह रहा 20 लाख ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे को, बातों में ही तो हो रही है ना। तो ये कैश का जो लेजर है, कैश का लेजर इसके अंदर खुला होगा, हाँ या ना। और आयुष का लोन ये वाला लेजर कहाँ खुला होगा? ये पर्सनल के अंदर। ये सोचो ये आयुष का लोन का लेजर है, मैं इस लेजर की बात कर रहा हूँ। इसके अंदर मैंने यहाँ पर लिखा होगा बाय कैश 2 लाख। अच्छा आयुष का लोन मैंने यहाँ ले लिया। आयुष बताओ कुछ लोगे तुम मुझसे यहाँ पर बीच में चाय कॉफी? इंटरेस्ट लेगा, इंटरेस्ट तो मैं उसे देता ही जाऊँगा। तो आयुष ये वाले 2 लाख रुपये कभी मांगोगे तुम मुझसे? सोचो मैंने तुम्हारा ये वाला पैसा, मैंने बोला मैं बाद में दूंगा आयुष, इंटरेस्ट लेते रहो, इंटरेस्ट लेते रहो, और ये पैसा मुझसे तुम 5 साल बाद ले लेना, हाँ या ना। अब मैं यहाँ पहुँच गया, आयुष का लेजर, ये आयुष का लोन है, ये मेरे लिए आज भी लायबिलिटी है या नहीं? आज कौन सा दिन है? 31 मार्च। पता है इसको क्या बोलते हैं, इस डेट को क्या बोलते हैं? ईयर एंडिंग ऑफ। वाह वाह वाह, कितना बढ़िया वाला जवाब दिया शाहरुख खान। नहीं, कौन सी डेट बोलते हैं इसे? दिस इज कॉल्ड बैलेंस शीट डेट, या रिपोर्टिंग डेट भी हम इसे बोलते हैं। कौन सी डेट? बैलेंस शीट डेट या ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसी दिन बैलेंस शीट बनाई जाती है, और अगर मैं इसे बैलेंस शीट डेट ना कह के रिपोर्टिंग डेट बोलूं तो ऐसा क्यों? रिपोर्टिंग डेट क्यों बोल रहे? क्योंकि इसी दिन पूरे साल में जो आपने किया है वो आपको रिपोर्ट करना पड़ता है, लोगों को बताना पड़ता है। बात समझ आ रही है? अमृत बेटे क्या हो गया, ठीक हो? हाँ हेलो, कहाँ देख रहे हो? मैं पूछ रहा हूँ इसे रिपोर्टिंग डेट क्यों कहते हैं, क्योंकि इसी दिन बिजनेस की पूरे साल की रिपोर्ट लोगों को देनी पड़ती है। समझ आ रही है मेरी बात? चलो ज़रा अब मैं ये कह रहा हूँ, ये आयुष का लोन मेरी बैलेंस शीट में लायबिलिटीज में दिखेगा कि नहीं दिखेगा? मैंने पिछली क्लास में बताया था कि हम इन वाले लेजर्स को क्या करते हैं, बैलेंस, और इनके अंदर डेबिट या क्रेडिट। इसके अंदर कौन सा बैलेंस है? इसके अंदर यहाँ पर बैलेंस आ रहा है ना 2 लाख का, कौन सा बैलेंस है? दिस इज अ क्रेडिट बैलेंस, नालायक बुद्धि से पैदल। दिस इज अ क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस कब बताया था मैंने? किसी भी लेजर का डेबिट बैलेंस कब बताया था, और क्रेडिट बैलेंस कब होता है? डेबिट बैलेंस जब होता है जब आपकी डेबिट साइड, और क्रेडिट बैलेंस कब होता है? जब आपकी क्रेडिट साइड बड़ी होती है। तो इसमें कौन सी साइड बड़ी थी? ये बड़ी थी, तो मैंने बैलेंस यहाँ पर लिख दिया। दिस इज कौन सा बैलेंस? क्रेडिट बैलेंस। और क्रेडिट बैलेंस क्या रिप्रेजेंट करता है? ये क्या रिप्रेजेंट करता है? लायबिलिटी। तो ये लायबिलिटी में जाएगा। तो चलो ज़रा, जब मैं अगर बैलेंस शीट बनाऊंगा तो इस बैलेंस शीट में कहाँ दिखेगा वो? आयुष का लोन यहाँ पर दिखेगा, हाँ या ना। तो यहाँ पर जब तुम आयुष का लोन लिखोगे तो यहाँ तो दो तरह की लायबिलिटी होंगी ना, तो इनमें से किस में लिखोगे? नॉन करंट में लिखूंगा। क्यों? क्योंकि आज आपको पता ना ये बैलेंस शीट आज बन रही है, तो आज देखोगे तुम कि आयुष का पैसा देने में कितना टाइम बचा है, कितना टाइम बचा है। अगर मैंने इसका लोन 5 साल के लिए लिया था, बताओ मैंने ये लोन यहाँ पर लिया था, और यहाँ से कितना टाइम बीत चुका है? वो 6 महीने तो बीत ही गए, तो आज बताओ कितना टाइम बचा है? 4.5 साल, 4.5 ईयर्स। अच्छा अगर मैंने इससे ये वाला लोन 16 महीने के लिए लिया होता तो, अगर ये लोन मैंने इससे 16 महीने के लिए लिया होता तो 16 में से कितने निकल गए? 6 महीने तो निकल गए, तो आज कितने बचे हैं? 10। अब देखो यहाँ पर क्या कहती है, कह रहा है दीज रेफर्स टू दोज लाइबिलिटीज विच फॉल ड्यू फॉर पेमेंट विद इन 12 मंथ फ्रॉम। तो आज की डेट से कितने महीने बचे हैं? तो 10 महीने तो 12 से कम होते हैं। तो फिर ये आयुष का लोन किसके अंदर दिखेगा? करंट लाइबिलिटी के अंदर दिखेगा। इसीलिए कुछ बच्चे ये सोचते हैं अच्छा 16 महीने है, 16 महीने के हिसाब से तो ये लाइबिलिटी इसके अंदर आनी चाहिए। अबे पागल हो, आपको टोटल टाइम नहीं देखना, आपको ये देखना है आज के बाद कितने दिन बचे। इसके शब्दों का मतलब समझो,
कि जो आपको टाइम पीरियड देखना है वो इस डेट से देखना है। किस डेट से? बैलेंस शीट डेट से देखना होता है। और अगर किसी लायबिलिटी की पेमेंट 12 महीने के बाद होने वाली है तो वो लायबिलिटी हमारे लिए क्या रहती है? वो नॉन करंट लायबिलिटी रहती है। समझ आया मेरे को? अब हम लोग किसके बारे में बात करेंगे? थोड़ा एसेट्स के बारे में। एसेट्स के बारे में आप लोग क्या कहेंगे? कौन सी एसेट्स करंट होती हैं और कौन सी एसेट्स नॉन करंट होती हैं? जो कैश में कन्वर्ट हो जाएंगी विद इन 12 महीने। 12 महीने कब से काउंट करने हैं? बैलेंस शीट डेट से, ना कि जिस दिन हमने उन्हें एक्वायर किया था। अगर कोई एसेट 12 महीने के अंदर अंदर यूज हो जाएगी, सेल हो जाएगी, कंज्यूम हो जाएगी या कैश में कन्वर्ट हो जाएगी तो वो एसेट करंट एसेट है, अदरवाइज सारी एसेट्स नॉन करंट होंगी। समझ आए? आगे चलते हैं, थोड़ा सा और टॉपिक चेंज करते हैं। आप लोग बोर हो रहे हैं क्या? हाँ गुड, अच्छा है आप नहीं हो रहे हैं बोर, क्योंकि वो आपके लिए खतरनाक हो सकता है। एक और टॉपिक, क्या है टॉपिक? कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। पता है, जानना चाहोगे 12th में कब काम आएगा? हैं, क्योंकि तकरीबन 50 बार मैं ये बोल चुका हूँ 12th में कब काम आएगा। 12th में पहले चैप्टर में इसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है, दूसरे चैप्टर में, तीसरे चैप्टर में, चौथे चैप्टर में, पाँचवें चैप्टर में, उसके बाद सेकेंड बुक में कहीं काम नहीं आएगा, थर्ड बुक में भी काम आएगा ये, इसलिए बहुत ध्यान से सुनने का है। ठीक है, आओ, क्या है टॉपिक का नाम? कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। चलो चलो, मुझे एक सवाल का जवाब देना। अब यहाँ पर मेरी क्लासेस चल रही हैं, ठीक है? अच्छा, जैसे ही क्लास कंप्लीट होती है मैं आप सबको ये टेस्ट देता हूँ करने के लिए, देता हूँ। अच्छा, ये टेस्ट फ्री में मिल जाते हैं क्या मेरे को? हैं, बताओ, मेरे लिए क्या है ये? मेरे लिए ये क्या है? मेरे लिए ये खर्चा है? अच्छा, ऐसे प्रिंट आउट आपको पता है मुझे रोज़ निकलवा के लाने पड़ते हैं, हाँ या ना? रोज़ निकलते हैं मेरे लिए और रोज़ बच्चे यूज़ करके डस्टबिन में डाल देता हूँ मैं। समझ आ रही है? तो ये मेरे लिए कौन सा खर्चा है? ये रेवेन्यू खर्चा है। रेवेन्यू खर्चा, ऐसे खर्चे जो होते रहते हैं बार 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 बार, छोटे मोटे खर्चे। मैंने ये फ़ोन भी लिया हुआ है, क्या मैं ये भी रोज़ खरीदता हूँ क्या? ओ भाई, इसे मैं रोज़ खरीदने लगा ना, मैं एक साल बाद सड़क पे जाऊँगा। नहीं समझे? ये ऐसे खर्चे जो बार 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 होते हैं, ये क्या कहलाते हैं? रेवेन्यू नेचर के खर्चे। और ऐसे खर्चे क्या कहलाते हैं? कैपिटल नेचर के खर्चे। इन दोनों में अंतर क्या है? तुम कहोगे एक वाइट है और एक कुछ गोल्डन सा है, ये वाला नहीं। बताओ इन दोनों में फ़र्क क्या है? रेवेन्यू नेचर का खर्चा करने से मेरे पास किसी एसेट का जन्म नहीं होता, और कैपिटल नेचर का खर्चा अगर मैं करूं तो मेरे पास कुछ एसेट्स बन जाती हैं, हाँ या ना? पक्का? ठीक है। अब मेरे कोचिंग सेंटर के कुछ और आप एग्जांपल दे सकते हैं रेवेन्यू नेचर के? रेवेन्यू नेचर के कुछ एग्जांपल मुझे दे सकते हैं? आप अभी जो यहाँ पर देख रहे हो, मेरा बिजली का बिल क्या है मेरे लिए? रेवेन्यू नेचर खर्चा। ये जो फ़ोन जिससे मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये कैपिटल नेचर का खर्चा। ये बोर्ड, ये कैपिटल, ये फर्नीचर, ये चेयर, मेरी बात समझ आ रही है? ये सब कैपिटल नेचर के खर्चे हैं। कुछ और बताओगे रेवेन्यू नेचर, कैपिटल नेचर के बारे में? कैपिटल नेचर के आइटम बैलेंस शीट में नज़र आते हैं, हाँ या ना? कैपिटल नेचर के खर्चे बैलेंस शीट में एसेट्स में नज़र आते हैं, और रेवेन्यू नेचर के वो ट्रेडिंग और P&L में नजर आते हैं, हाँ या ना? और कुछ खर्चा, और कोई डिफरेंस? कैपिटल नेचर के खर्चे बार 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 नहीं होते, रेवेन्यू नेचर के खर्चे बार 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 होते हैं। इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? रेकरिंग नेचर, रेकरिंग नेचर, बार बार होने वाली चीज को बोलते हैं रीअकर। रीअकर मतलब बार बार होना, हाँ या ना? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मान लो मैंने कार खरीदी,
वो मेरे लिए क्या है? कार का खरीदना कैपिटल नेचर है, कार का पेट्रोल रेवेन्यू, कार के रिपेयर्स छोटे मोटे रिपेयर्स चलते रहते हैं रेवेन्यू, कार का पंचर हो गया रेवेन्यू, मेरी कार जो है वो पेट्रोल वाली कार है, मैं उसके अंदर सीएनजी किट लगवा लेता हूँ, कैपिटल नेचर। पता है क्यों? उससे मेरी कार की परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी। मेरी बात समझ आ रही है? अच्छा, उसके अलावा ठीक है, एक बार आप इसे रीड करें प्लीज़, बहुत इम्पॉर्टेंट है, रेवेन्यू नेचर और कैपिटल नेचर, ज़रा एक बार रीड करें। कहीं कोई डाउट है? चलें आगे। एक और टॉपिक है कैपिटल रिसिट और रेवेन्यू रिसिट। अभी मैंने जो पीछे टॉपिक पढ़ाया वो था कैपिटल एक्सपेंडिचर और उसके अंदर पैसे जाते थे, पैसे आने के भी दो रास्ते हैं कि या तो वो आपको कैपिटल नेचर की चीज़ों की वजह से मिल जाए या फिर वो आपको रेवेन्यू नेचर में मिले। लाइक मेरे लिए रेवेन्यू रिसिट क्या है? मेरे लिए रेवेन्यू रिसिट क्या है? बच्चों से मिलने वाली फीस। क्या कुछ और भी एग्जांपल है मेरे रेवेन्यू नेचर के रिसिट? कमीशन। वैसे तो मुझे कोई कमीशन देता नहीं है बेटे, पर फिर भी तुम्हारी बात को अगर मैं सुनूं, अगर मुझे कमीशन मिलना शुरू हो जाए तो मेरे लिए वो क्या होगा? सोचो, अगर मुझे कमीशन मिलना शुरू हो जाए, मुझे कमीशन कब मिलेगा? एग्जाम्पल, अरे मुझे कमीशन कब मिलेगा? मुझे फीस कब मिलती है? जब मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, मुझे कमीशन कब मिलेगा? बोलो। अब जैसे मार्केट में सोचो ये एक नई बुक आ गई, इसे कोई खरीद नहीं रहा। मैं अपने बच्चों को बोलता हूँ बेटा बड़ी अच्छी बुक है, बड़ी अच्छी बुक है, खरीद लो खरीद लो, तुम सब इसे खरीदोगे। तो जिस कंपनी की ये बुक है उनकी सेल होगी, उनकी सेल होगी वो खुश होंगे, तो वो लोग मुझे, तो मेरे लिए वो कमीशन क्या है? रेवेन्यू नेचर का है। क्यों? क्योंकि उनसे जो कमीशन मुझे मिलेगा, क्या मेरी किसी एसेट का जन्म होगा क्या? और वो बार बार होने वाली इनकम है, वो मिलती रहेगी मुझे। और कोई ऐसा रेवेन्यू नेचर? हाँ, जैसे मान लो जब मैं क्लास के बाद आपको ये टेस्ट देता हूँ, तो ये टेस्ट आप लोग मुझे वापस दे देते हैं, तो मैं इसे डस्टबिन में डाल देता हूँ। फिर एक दिन कबाड़ी वाला आता है, मैं उसे उठा के कबाड़ी वाले को देता हूँ, तो वो मुझे बदले में कुछ दे ही रहा है ना, तो मेरे लिए वो क्या है? रेवेन्यू नेचर का रिसिट। समझ आ रहा है? अब कैपिटल नेचर का रिसिट क्या होता है ये बताओ। सेल ऑफ एसेट। अगर मैं अपनी किसी एसेट को बेच दूं और मुझे वहां से पैसा मिले, तो वो क्या है? और कुछ? अगर मैं बैंक से जाके लोन ले आऊं, तो वो क्या होगा? बैंक से मैं जाके लोन ले आऊं, मिल तो पैसा ही रहा है, एसेट को बेच के भी पैसा मिल रहा है और बैंक से लोन ले के भी तो पैसा ही मिल रहा है, तो वो क्या है? वो भी कैपिटल नेचर का रिसिट है, क्योंकि वो भी बार बार नहीं मिलते हैं। समझ आ रहा है? पढ़ो एक बार।
प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट रेवेन्यू नेचर का कैसे है? सुनो, आपकी एसेट 100 रुपये की है, अगर आप उसे 100 रुपये से ज़्यादा वैल्यू पर बेच रहे हैं तो जो 100 रुपये तक का पार्ट है वो कैपिटल नेचर का पार्ट रहेगा, पर जो उसके ऊपर का हिस्सा है ना प्रॉफिट वाला पार्ट, वो तो हम P&L में लेके जाते हैं। याद है हमने डेप्रिसिएशन के चैप्टर में भी ऐसा किया है ना, प्रॉफिट और लॉस वाला पार्ट जो कि डेबिट साइड पे दिखता था, तो ये वही है। सेवेंथ पॉइंट क्या होता है? अप्रेंटिस प्रीमियम। ये बेसिकली कंपनीज को मिलता है जब कंपनीज अपने कुछ लोगों को ट्रेनिंग देती हैं। जैसे मान लो तुम मेरे से जानना चाहते हो कि मुझे भी ना कल को अकाउंट्स पढ़ाना है, तो ये PPT कैसे बनाते हैं जिसपे आप पढ़ा रहे हो? मैंने कहा इसके पैसे लगेंगे, मैं सिखा दूंगा, तो तुम मुझे इसके बदले में दोगे ना पैसे, तो वो मैं किस इनकम से, किस नाम से रिकॉर्ड करूंगा? अप्रेंटिस प्रीमियम। तो बेसिकली अप्रेंटिस प्रीमियम क्या है? जो ट्रेनिंग देने के लिए इनकम मिलती है कंपनी को वो कहलाता है अप्रेंटिस प्रीमियम। ठीक है, आ रहा है कहीं कोई डाउट आ रहा है? अगर तुम ये कह रहे हो कि जैसे गवर्नमेंट हमें पैसा दे रही है और यहां पर लिखा है नो पर्पस स्पेसिफाइड, कि गवर्नमेंट हमें उसका पर्पस, कभी कभी तो ऐसा होता है कि गवर्नमेंट ने हमें पैसा दे दिया और गवर्नमेंट हमें ये कह रही है कि इस पैसे से आपको ज़मीन खरीदनी है, तो फिर वो हमारे लिए कैपिटल नेचर का हो जाएगा। पर अगर गवर्नमेंट हमें उसका पर्पस नहीं बता रही है तो फिर तो हम उसे किसी भी काम में यूज़ कर सकते हैं। नहीं समझे? अगर गवर्नमेंट हमें सब्सिडी दे रही है, कोई हेल्प कर रही है हमारी, पैसा दे रही है और उसका पर्पस वो हमें नहीं बता रही है, तो फिर हम उसे रेवेन्यू नेचर का भी मान सकते हैं। वैसे जनरली फिर वो उसे P&L में ही डाला जाता है, क्योंकि वो फिर इनकम बन गई आपके लिए। पढ़ लिया है? छोटे छोटे कुछ पॉइंट्स आएंगे, बेहद इंपॉर्टेंट है, 10 मिनट और लूंगा मैं आप लोगों के, बस लास्ट। ठीक है, बोरिंग हो रहा है? नहीं, झूठ तो बोलो मत। ठीक है, चलो सुनो। अच्छा, आपने ये सारे नाम पढ़े होंगे पहले 11th में, पता है इनको क्या बोलते हैं? इन सब को मिलाकर क्या बोलते हैं? गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी, एक्रुअल, ये सब आपने पढ़े हुए हैं। तो पहली बात तो ये कि इनको बोलते क्या हैं, और दूसरी बात ये सब रूल हैं, ये किस चीज़ के रूल हैं और ये कब यूज़ होते हैं? नो आइडिया। नहीं है याद? इनका नाम होता है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। इसके नाम को ही समझो, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या मतलब? ऐसे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जो कि जनरली हर अकाउंटेंट फॉलो करता है। कब फॉलो करता है? जब वो खाना खाता है, जब वो अकाउंट्स मेंटेन करता है, जर्नल है, लेजर है, ट्रायल बैलेंस है, फाइनल अकाउंट्स है, जब वो उन चीज़ों को लिखता है, जब वो उन चीज़ों को बनाता है, तो उस टाइम पर उसके दिमाग में ये सारे रूल रेगुलेशंस चल रहे होते हैं, उसको ये सारे रूल रेगुलेशन फॉलो करने पड़ते हैं। तो ये सारे रूल रेगुलेशंस में से कुछ ऐसे हैं जो आपको 12th में भी ज़रूरत पड़ने वाली है, मैं वो रिपीट करने जा रहा हूँ बस, सारे नहीं। ठीक है,
गोइंग कंसर्न किसी को याद है? बोलो। देखो ये क्या है, ये एक बिजनेस के अकाउंट्स हैं। मान लो ऊपर ये क्या रखा है, जर्नल, या फिर ये क्या रखा है, कैश बुक, ये क्या रखा है, लेजर, सब्सिडरी बुक्स, ऐसे रखनी है मान लो। तो देखो क्या लिखा है, पढ़ के देखो इसे। अगर कुछ बोला नहीं जा रहा है तो हम क्या मानेंगे इनके बारे में, हम ऐसा मान लेंगे कि एक बिजनेस के अकाउंट्स फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस को फॉलो कर रहे होंगे। नहीं समझे? अब जैसे मान लो, मैं ये कह रहा हूं, मान लो मेरे पास एक बच्चा आया, कह रहा मेरे को अकाउंट्स पढ़ना है। अब अकाउंट्स की स्टार्ट 11th में होती है, तो मैं अपने आप ही क्या मान लूंगा कि वो बच्चा 10th पढ़ के आया होगा, या वो मुझे बताएगा? बोलो ना। मैं कह रहा हूं, मैं नॉर्मली अपने आप ही ये मान लूंगा ना कि वो बच्चा 10th पास करके आया है, या वो मुझे बताएगा तभी मैं मानूंगा। ऐसा तो नहीं है ना। तो ऐसे ही अगर ये मेरे हाथ में किसी बिजनेस के अकाउंट्स हैं, तो मैं अपने आप ही क्या मान लूंगा कि ये बिजनेस के अकाउंट्स इन सारे रूल रेगुलेशन को फॉलो करने के बाद ही बनाए गए होंगे। मेरी बात समझ आ रही है? तो किसी को अलग से बताने की जरूरत नहीं होती है कि भैया मैंने ये वाला रूल फॉलो किया है, मैंने ये फॉलो किया है, मैंने ये फॉलो किया, कह रहा बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आओ। हाँ, गोइंग कंसर्न क्या कहता था, बस मुझे इतना बता दो। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट ये कहता था कि हमारा जो बिजनेस है वो लंबे टाइम तक चलता रहता है। समझ आ रही मेरी बात? ठीक है, अगला क्या था, कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट, ये क्या कहता था? हाँ, एग्जैक्टली, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो, जैसे ये आपके बिजनेस का पहला साल है, ये दूसरा और ये तीसरा, आपको पता है कि अलग अलग चीज़ों के अलग अलग मेथड होते हैं। जैसे डेप्रिसिएशन के दो ही मेथड होते हैं, वो आपके सिलेबस में है दो, वैसे तो वो कई मेथड हैं डेप्रिसिएशन के। अब मैं कह रहा हूँ, जैसे मान लो आपने ये एक बस खरीदी और वो आपने फर्स्ट ईयर में खरीद ली यहाँ पर बस, तो आपने इस बस के ऊपर यहाँ डेप्रिसिएशन लगाया होगा, कौन सा मेथड यूज़ किया होगा? मान लो आपने रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड यूज़ किया है बस के लिए, तो कह रहा है सेकंड ईयर में भी जब डेप्रिसिएशन लगाओगे तो कह रहा है यही मेथड यूज़ करना चाहिए आपको, और कह रहा है इस बस के ऊपर थर्ड ईयर में भी यही मेथड यूज़ करना चाहिए। ऐसा नहीं है एक साल रिटर्न डाउन, एक साल, कह रहा पागल हो जाओगे। और जैसे डेप्रिसिएशन के दो मेथड हैं, वैसे ही क्लोजिंग स्टॉक, इसको निकालने के भी दो मेथड होते हैं। गुडविल, ये आप 12th में पढ़ोगे, इसको निकालने के 5 मेथड तो आपके सिलेबस में ही है। ठीक है, और कह रहा है जैसे इन्वेस्टमेंट, इनके वैल्यूएशन के भी कई मेथड होते हैं, इसके भी कई मेथड होते हैं, तो क्या तुम सारे मेथड फॉलो कर सकते हो क्या? तो वो क्या कह रहा है, कह रहा है कि अगर आपने इसमें से जो भी मेथड यहाँ पर यूज़ करे हैं, कह रहा है वही मेथड यहाँ पर यूज़ होने चाहिए, इससे क्या होगा? अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं अपने ट्यूशन की टाइमिंग्स डेली चेंज करूं, एक दिन 4 बजे, एक दिन 6 बजे, एक दिन 8 बजे, एक दिन 2 बजे, इससे क्या होगा तुम्हारे लिए? क्या होगा? तुम्हारा भरोसा टूट जाएगा भाई, बताओ। नहीं समझ आ रही मेरी बात? इससे क्या होगा? अगर हम अपने रूल रेगुलेशंस डेली चेंज करेंगे तो क्या लोग हम पे ट्रस्ट करेंगे? ऐसे ही कह रहा है कि अगर आप अपने बिजनेस के रूल रेगुलेशन जो एक साल में फॉलो करते हो, वही रूल रेगुलेशन आपको सेकंड ईयर में भी फॉलो करने चाहिए। इससे पता क्या होगा, एक साल के अकाउंट्स को दूसरे साल के अकाउंट के साथ आप कंपेयर भी कर सकते हैं, वरना आप उन्हें एक दूसरे के साथ कंपेयर कर ही नहीं पाएंगे। जब आपके अकाउंट सेम पैरामीटर्स को फॉलो कर रहे होंगे तभी तो आप उन्हें कंपेयर कर सकते हैं। समझ आई बात? अगला क्या है,
एक्रुअल कंसेप्ट, ये क्या कहता था? एक्रुअल कंसेप्ट सुनो, मैं बताता हूँ बहुत सिंपल भाषा में, मैं आपको बता रहा हूँ। सोचो, बताओ आप यहाँ पर क्या लिखते हैं? इनकम। और यहाँ पर आप क्या लिखते हैं? एक्सपेंसेस। दीपांजलि, बेटे यहाँ पर कौन सा खर्चा लिखा जाता है? वो तो ठीक है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, कितना खर्चा लिखा जाता है ये बताओ। चलो देखो, सवाल एक और करते हैं फिर तुम जवाब देना। ये 12 महीने में, जैसे मान लो एक आपका एम्प्लॉई है और आप इस एम्प्लॉई को सैलरी देते हो 1000 पर मंथ, और आपने उसकी सैलरी 10 महीने की तो दे दी और 2 महीने की नहीं दी, आप यहाँ पर कितनी सैलरी लिखोगे पी एंड एल के अंदर? 10 महीने की कि 2 महीने की कि 12 महीने की, या ज़्यादा या कम? दस महीने के लिखेंगे, दो महीने के लिखेंगे। क्यों दो के क्यों लिखेंगे? हाँ, आउटस्टैंडिंग वाली लिखेंगे यहाँ पर। वेरी गुड। हाँ अमृत, 12 के लिखेंगे। भूमि, रिया, 12 महीने की। यहाँ टोटल सैलरी 12 की लिखी जाएगी, इसमें 10 की 2 सैलरी और प्लस में आउटस्टैंडिंग 2 की, और ये आउटस्टैंडिंग यहाँ भी दिखेगी लाइबिलिटीज के अंदर। आपने किया था 11th में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विद एडजस्टमेंट। तो ये रूल पता है क्या कहता है? ये रूल कहता है, कह रहा है यहाँ पर खर्चा लिखना है आपको, और वो भी कौन सा, जिसके पैसे दे दिए वो, या जिसके पैसे नहीं दिए वो, या टोटल टोटल खर्चा। कह रहा चाहे तुमने पैसे दिए हो या पैसे ना दिए, तो खर्चा लिखना है। खर्चा कब होता है? जब खर्चा हो गया हो। और खर्चा कब होता है? जब आपने सर्विस ले ली हो। कह रहा है अगर आपने खर्चा कर दिया है, चाहे पैसे आपने कम दिए हों चाहे पैसे आपने ज़्यादा दिए हों, कह रहा है ज़्यादा के केस में ज़्यादा भी नहीं लिखने, जितने उस साल के बनते हैं। नहीं समझे मेरी बात को? अब मैं कह रहा हूँ, मान लो आपने इस साल में 12 महीने पर आपने इस साल में जो सैलरी दी है वो 15000 दे दी, बनती कितनी है? बनती 12 है, पर तुम 15 क्यों दे रहे हो? मतलब हमने 3000 एडवांस दिया है, तो यहाँ पर जो सैलरी जाएगी वो केवल 12 की जाएगी। कह रहा है 3000 की कहाँ ले जाना? प्रीपेड में ले जाना। बात समझ आ रही है? तो ये रूल क्या कहता है? कह रहा है खर्चे को खर्चा मान लेना, चाहे उसके पैसे दिए हों या ना दिए, और इनकम को इनकम मान लेना, चाहे उसके पैसे मिले हों या ना मिले। ये कहता है बस। समझ आई बात? बिजनेस एंटिटी कोई काम का नहीं है। मनी मेजरमेंट आपको पता होगा कि हम अपने बिजनेस में चीज़ों को तब रिकॉर्ड कर सकते हैं जब हमें उनकी वैल्यू पता हो। अब मैं कहूँ मैं बिजनेस में ये फ़ोन लेके आया, क्या मेरा अकाउंटेंट इसकी एंट्री डाल सकता है? नहीं डाल सकता। मेरा अकाउंटेंट इसकी एंट्री तब डाल सकता है जब मुझे इस फोन की वैल्यू पता। अब अगर मैं ऐसे 4 फोन लाया तो वो क्या एंट्री डालेगा बताना तुम? ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, कितना कैश? 4 फोन, इसकी वैल्यू बताओ। 4 फोन की वैल्यू कितनी है? 50,000 है, 1,00,000 है, 2,00,000 है। तो मुझे वैल्यू पता होनी चाहिए, वरना मैं उसे रिकॉर्ड नहीं कर सकता। समझे बात को? अकाउंटिंग पीरियड किसी काम का नहीं है। कॉस्ट कॉन्सेप्ट आपको ये पता होना चाहिए। अरे बोलो, व्हाट इज कॉस्ट कॉन्सेप्ट? कॉस्ट कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर आपने बिजनेस में कोई एसेट खरीदा है, लाग सुनो यहाँ पर आओ, अगर आपने बिजनेस में कोई एसेट खरीदा है आज, तो धीरे धीरे उसकी वैल्यू डेप्रिसिएशन होती है, डेप्रिशिएट होती है ना। तो कह रहा है हमारी एसेट हमारी बुक्स में कौन सी वैल्यू पर नजर आएगी हर साल? जितने पर हमने उसे खरीदा था, बस उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करते जाएंगे आप हर साल। ठीक है ना? ड्यूअल एस्पेक्ट किसी काम का नहीं है। रेवेन्यू रिकॉग्निशन छोड़ दो। मैचिंग कॉन्सेप्ट थोड़ा सा काम का है, ये बहुत अच्छा है। सुनो, हम यहाँ पर क्या लिखते हैं? इनकम लिखते हैं। तो आपको नहीं लग रहा यहाँ पर आपको क्या लिखना चाहिए?
एक्सपेंसेस, तो क्या सारे खर्चे लिख दूं? यहाँ पर कौन सा खर्चा लिखना है आपको जो उस साल से रिलेटेड है? अब उस साल से उसका रिलेशन कैसे पहचानूं? उसका रिलेशन उस साल से कैसे पहचानूं? सुनो, आप यहाँ पर इनकम लिख रहे हो, आपको पता है इनकम को कमाने के लिए खर्चे करने पड़ते हैं, आप एग्री करते हैं इस बात से? इनकम को कमाने के लिए खर्चा करना पड़ता है। अरे वो एक कहावत है, तुमने सुनी होगी, पैसे से ही पैसा। वो नहीं सुनी क्या? इंस्टाग्राम के अलावा कुछ नहीं चलाते क्या? नहीं सुनी? पैसे से ही पैसा बनता है, सच में नहीं पता? ब्लैंक फेसेस। मैं ये कह रहा हूं, अगर आपको कोई इनकम कमानी है, अब जैसे कल को तुम जॉब करोगे तो तुम्हें भी तो कुछ मिलेगा वहां से, क्या सैलरी मिलेगी? बोल लो भाई, बोल लो यार, कल को तुम जॉब करोगे तो वहां से सैलरी मिलेगी। उस सैलरी को, वो सैलरी तुम्हारे लिए क्या है? इनकम। अबे उसको कमाने के लिए तुम्हें भी खर्चा करना पड़ेगा, कुछ जाने का खर्चा, लंच बॉक्स का खर्चा, कपड़ों का खर्चा, टिफिन लेना पड़ेगा, भाई करने पड़ेंगे ना। वॉलेट भी लगाओगे, टाई भी लगाओगे, शूज़ भी लोगे, घड़ी भी लोगे, हैं फिर पता नहीं क्या क्या इधर उधर का फालतू सामान, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। सो बेसिकली अगर आपको कोई इनकम चाहिए तो उस इनकम को कमाने के लिए आपको खर्चे भी करने पड़ते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट पता है क्या कहता है? कहता है कि अगर आपने यहाँ पर कोई इनकम लिखी है और उस इनकम को कमाने में जो खर्चे आपने किए हैं वो सारे खर्चे आपको यहाँ लिखने चाहिए। बात समझ आ रही है? अगर आपने कोई खर्चा किसी इनकम से रिलेटेड है और यहाँ वो इनकम अगर लिखी है तो यहाँ पर वो खर्चा भी आपको लिखना चाहिए। वैसे इसके अंदर और भी डिटेल्स हैं, मैं थोड़ा सा ब्रीफ में बस चीज़ों को ऊपर से बता के चल रहा हूँ अभी, ठीक है? हाँ, एक ये भी बहुत अच्छा है, कॉन्सेप्ट ऑफ फुल डिस्क्लोजर। ये क्या कहता है? आपने इसका नाम सुना है? क्या लिखा हुआ देखो, है जो कुछ है सब बता दो, कुछ भी नहीं छुपाना है, अपने घर की बातें भी बता दो। नहीं भाई, नहीं ऐसे नहीं करने का है, घर की बातें नहीं बतानी है। वो कह रहा है अगर आपके बिजनेस में कुछ भी चल रहा है, अच्छा बुरा, कह रहा है वो लोगों को बताओ आप। ऐसा क्यों भाई, कुछ भी नहीं छुपाएं क्या? बोल, कुछ भी नहीं छुपाना क्या? इसके हिसाब से तो यही है, ये तो यही कह रहा है। कह रहा है बिजनेस में जैसा भी चल रहा है, अच्छा है बुरा है, दिन है रात है, काला है सफेद है, कह रहा है सब बता दो। क्या करूं फिर इसके लिए? ये कॉन्सेप्ट ये कहना चाह रहा है, कह रहा है बिजनेस में जो भी चल रहा है आपको लोगों के साथ सब कुछ शेयर करना है, तो वो कैसे शेयर करूं? क्या मैं लोगों के साथ अपने जर्नल और लेजर वो दे दूं उठा के, लो पढ़ लो? है जर्नल और लेजर मैं लोगों को नहीं देता हूं, मैं लोगों को क्या देता हूं? मैं लोगों को फाइनल अकाउंट्स देता हूं। तो वो फाइनल अकाउंट्स इस हिसाब से बनाओ कि लोगों तक मैक्सिमम इंफॉर्मेशन पहुंच जाए। हाँ या ना? हेलो बेटे, सुन रहे हो? वो ऐसे बैठी हुई ना शांत, मुझे लगा नींद ना आ जाए उसे थोड़ी देर में। तो सुनो जरा, आप लोगों को ये वाला ट्रेडिंग पी एंडल बैलेंस शीट बनाने की आदत है, ये गलत है। ये 11th में था, चल गया, ये चलता नहीं है अगर, ये है सरासर गलत है। पता है क्यों गलत है ये? क्या इसमें लाइनें टेढ़ी हैं कि क्या गलत है? क्योंकि इन्हें बनाने से पूरी इंफॉर्मेशन लोगों तक नहीं पहुंच पाती, मतलब कहीं ना कहीं मैंने इसके मान सम्मान को ठेस पहुंचा दिया। ये क्या कहता है? कह रहा सब बता दो, और जब आप इन्हें बनाते हैं तो आप सब नहीं बता पाते हैं। तो क्या करूं, क्या करूं? अबे बोलो हैं? हाँ, इनको फॉलो मत करो, तो इनकी जगह पर ये भाई साहब बनेंगे 12th में। देखो कैसे बने हुए हैं, अजीब से, देखने में अजीब लग रहा है, बाकी बिल्कुल सेम है। देखो क्या है ये, तो देखो लाइबिलिटीज यहाँ रहेंगी 12th में, एसेट यहाँ थी, एसेट यहाँ चली जाएंगी, हैं? हाँ बस ये उठ के नीचे आ जाएंगी। ये तो बैलेंस शीट की बात हुई, ये क्या है? ट्रेडिंग पी एंड एल। ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे?
स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड, इसमें ऊपर क्या लिखी जाएंगी? इनकम्स, और नीचे क्या लिखे जाएंगे? एक्सपेंसेस. क्या मिल गया? यहां प्रॉफिट तो मिलता था, तो वो भी मिल जाएगा. तो मुझे बताओ इन्हें क्यों नहीं बना सकते और इन्हें क्यों बनाना है? इन्हें बनाने से लोगों तक ज्यादा बेटर इंफॉर्मेशन पहुंचेगी, और जितनी ज्यादा बेटर इंफॉर्मेशन पहुंचेगी उतने ही ज्यादा इसके दांत दिखाई देंगे. मतलब उतना ही ज्यादा ही खुश होगा कि लोग मेरी बात को मान रहे हैं. गॉट इट? उसके अलावा और भी ये बहुत सारी चीजें हैं. ये सब क्या है यार? ये सब क्या है? आप इन्हें क्या नाम देते हैं बताओ? इन्हें क्या नाम देते हैं? फाइनल अकाउंट. पर ये तो गलत वाले हैं. तो असली वाले ये क्या है? ये हैं असली वाले. पता ये कहां पर लिखे हुए हैं? आपने सुना है ये वाला नाम? सुना है? कंपनीज एक्ट 2013. यस, उसके अंदर लिखे हुए हैं. गूगल पे जाके सर्च मार के देखना. आज क्या सर्च मारोगे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज पर कंपनीज एक्ट 2013 शेड्यूल. उस पूरा निकाल के दिखा देगा चिट्ठा. उसके अंदर यही लिखे हुए दिखेंगे, पर वो इससे बड़े हैं, क्योंकि ये अभी आपके सामने ना छोटे दिखाई दे रहे हैं सिंक्रनाइज करके. जब आप इनको और डिटेल्स खोलोगे तो ये बड़े होते चले जाएंगे. तो वो आपको ट्वेल्थ में देखने के लिए मिलेंगे. पर खाली इनको बनाने से इसकी हंसी पूरी नहीं होती. कह रहा है अभी तो और भी है. कह रहा है ये तो थोड़ा सा है, और भी बताओ लोगों को. क्या बताऊं भाई? कह रहा है लोगों को नोट्स टू अकाउंट भी दे दो, और कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटीज भी बताओ, कमिटमेंट्स भी बताओ, और डेटर्स आपके कौन कौन है ये भी बताओ, आपके क्रेडिटर कौन कौन है ये भी बताओ, आपकी एसेट. कह रहा तुमने तो खाली यहाँ पर एसेट लिख दिया. कह रहा एसेट में और क्या क्या है? कह रहा वो सब चीज़ें बताओ. और कंपनी की कंपैरेटिव फाइनेंशियल. पागल है, दे तो दी. कह रहा ये कंपैरेटिव नहीं है, ये क्या है? ये है नॉर्मल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. तो फिर क्या दूँ? कह रहा कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये ट्वेल्थ में सीखेंगे बनाना. और कॉमन साइज फाइनेंशियल्स, ये भी ट्वेल्थ में सीखेंगे बनाना. अलग से बुक है एक इसकी. तीसरी बुक हमारी जो थर्ड बुक है ये उसके अंदर है. ठीक है भूमि, क्या हुआ बेटे? भूख लग रही है? नहीं, ऐसा लग रहा है भूखे भूखे से बैठे हो. आगे चलें. एक और रह गया बस मेरा लास्ट वाला, कन्वेंशन ऑफ प्रूडेंस. बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्वेल्थ में कम से कम 5 से 6 जगह पर काम आने वाला है. ये क्या कहता था? कंसेप्ट ऑफ प्रूडेंस. ये क्या कहता है? बेसिकली हम लोग अपनी लाइफ में हमेशा नेगेटिव चीज़ों की तैयारी करके चलते हैं, हम पॉजिटिव चीज़ों की तैयारी नहीं करते. पता है क्यों? जैसे मान लो हमारे घर में कोई फंक्शन है, मान लो कोई घर में शादी है, और हमें लग रहा है गेस्ट आने वाले 500. खाना कितने का बनता है? 500 का बनाओगे? 500 से कम बनाओ? कम का तो कोई मतलब ही नहीं है भाई. वी ऑलवेज थिंक फॉर द नेगेटिव. तुम कहोगे नहीं हम तो पॉजिटिव सोच रहे हैं. नहीं, ध्यान से देखो, तुम नेगेटिव सोच रहे हो भाई. कम ना पड़ जाए, ये नेगेटिव ही तो है. कम ना पड़ जाए, फालतू बना ले. बेसिकली नेगेटिव सोच कर हम चीजों को पॉजिटिव करने का प्लान करते हैं. बारिश होती है, छाता लेके क्यों निकलते हो? इवन बारिश होने वाली भी होती है ना. अच्छा यार बादल हो रहे हैं, यार बारिश हो के छाता लेके निकलते हैं, है ना? इसलिए ताकि बारिश से बच सकें. नेगेटिव होकर पॉजिटिव होने का सोचा फिर से, ताकि चीजें पॉजिटिव रहें, हमारे फेवर में रहें, अच्छी रहें, है ना? इसीलिए नेगेटिव होना प्रूडेंट होकर सोचना कहते हैं इसे. प्रूडेंट होकर सोचना कहते हैं इसको. ये क्या है? रात को मम्मी खाना बनाती है ना, है तो मम्मी उतना ही तो बनाती है जितना रात रात में लग जाए, या 3-4 दिन का खाना एक बार में बना के रख देती हैं. क्यों भाई? वो प्रूडेंट है, वो सोच के चलती हैं आगे का. आप कोई ऐसा एग्जांपल शेयर कर सकते हैं जिसमें आप भी आगे का सोच कर चलते हैं? बोलो.
आपने सबने मेडिक्लेम करवा रखा होगा अपना, क्यों करवा रखा है? कि भैया कल को अगर हॉस्पिटल में जाके लेट भी गए ना तो कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। कौन भरेगा लाखों का बिल? नहीं, इसीलिए तो करवाते हैं, इसीलिए हम पहले ही तैयारी कर लेते हैं उसके लिए। ऐसे ही ये क्या कहता है, कह रहा है हमारा जो अकाउंटेंट है वो भी कैसा होना चाहिए? हमारा अकाउंटेंट कैसा होना चाहिए? वो प्रूडेंट होना चाहिए। प्रूडेंट, प्रूडेंट को मतलब कैसा होना चाहिए? चौकन्ना होना चाहिए। चौकन्ना मतलब कौन होता है? चौकन्ना वो होता है जो अपने आँख नाक कान मुंह खोल कर रखे, ओ भाई आसपास क्या हो रहा है, पूरा ध्यान रखे हर चीज़ का। तो फिर ये हमारे अकाउंटेंट पे कैसे अप्लाई हो रही है बात? हमारे अकाउंटेंट पे कैसे अप्लाई हो गई ये वाली बात बोलो? हमारा अकाउंटेंट भी, जब अकाउंटेंट का काम क्या है? ट्रांजैक्शंस को बुक्स में रिकॉर्ड करने का। तो अकाउंटेंट भी इस चीज़ को ध्यान में रखकर चीज़ों को रिकॉर्ड करेगा कि अगर उसे फ्यूचर में कोई नुकसान नज़र आ रहा है तो वो उसके लिए आज ही रिकॉर्ड कर लेगा एंट्री, और अगर उसे फ्यूचर में कोई फ़ायदा नज़र आ रहा है तो वो उसे इग्नोर करता है। बात समझ आ रही है? जैसे कि कोई एग्जांपल, जैसे प्रोविजन की एंट्री डालते हैं हम लोग। प्रोविजन की एंट्री में क्या होता है, प्रोविजन यहाँ से बनाकर बैलेंस शीट में दिखा दिया जाता है वो प्रोविजन। प्रोविजन बनाने से क्या होता है, एनी आइडिया? प्रोविजन बनाने से क्या होता है? अगर तुम यहाँ पर प्रोविजन नहीं लिखोगे तो तुम्हारा प्रॉफिट बढ़ जाएगा, तो प्रोविजन बनाने से आपका प्रॉफिट कम हो जाता है। वो प्रोविजन की वैल्यू यहाँ से निकलकर बैलेंस शीट में दिखाई देने लग जाती है, जिसे कि तुम यहाँ पर डेटर्स में से माइनस करके भी दिखाते थे, है ना? तो वो प्रोविजन तुम यहाँ पर माइनस करके दिखाओ या फिर यहाँ पर ऐसे पॉजिटिव आइटम दिखाओ, बात एक ही है। समझ आया है प्रूडेंट क्या होता है? किसी को कुछ पूछना है? नहीं, क्योंकि सबको लग रहा होगा क्लास जितनी जल्दी खत्म हो जाए उतना अच्छा है, है ना? दैट्स इट। आज के लिए हमारे टॉपिक्स इतने ही थे, ठीक है? तो आज हमने क्या क्या कवर किया है? कैश बुक, थोड़ा सा बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, जिसके अंदर क्या क्या था, करंट एसेट, करंट लायबिलिटी और नॉन करंट एसेट और हाँ, और कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वाला, और थोड़ा सा थियोरी बेस ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है? अगली क्लास में हम लोग डेप्रिसिएशन के बारे में बातें करेंगे।